इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन रिपोर्टर्स एंड पाकिस्तानी रिपोर्टर्स के फेल्स. तो आप लोग कोई ऑफेंड मत होना, क्योंकि इंडियंस का भी फेल्स है, पाकिस्तानीज का भी फेल्स है, होता है कभी कभी लाइफ में फेल्स. तो लेट्स चेक इट आउट. ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में. लेट्स चेक इट आउट. सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए. Look at the weather forecast. The Sensex and the Nifty actually had been very volatile in the last 3 days. The market report de rahi hai, weather report de rahi hai. पाक भारत तालुकात खराब होने का खदशा पैदा हो गया है. सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबता किया है मारूफ तजियाकार तलत हुसैन से. जी तलत साहब, सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि अगर भारत ने दबाव बढ़ाया तो फौज कबायली इलाकों से निकाल कर सरहद पर भेज दी जाएगी. आप क्या समझते हैं सूरत हाल किस जानिब जा रही है? ये भी पहले मेरी बात सुन लीजिए कि आपने गलत आदमी को कॉन्टेक्ट कर लिया है. मैं वो तजिया निगार तलत हुसैन नहीं हूँ. मैं तलत हुसैन आर्टिस्ट. तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात. संदर का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा कर. ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से, और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके, और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए. हैप्पी होली. बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन इसी पाकिस्तान का आगाज करते हुए कौमी मसाइल कार्ड मंसूर की शक्ल में पेश करके पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने का प्रोग्राम दिया है. कैमरामैन शहबाज रशीद के साथ नजीर भट्टी, एयरवे न्यूज, लाहौर. ये मैंने पहले देखा हुआ भी है, फिर भी इतना जोर से. हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं और उनसे जानते हैं इस गांव में क्या क्या समस्या है और जो गांव का विकास है आखिर कहां पर रुक रहा है. क्या समस्या है इस पाकिस्तान? मौजूद हूँ क्वाड के इलाका शकरगरा में, जो कि हालिया बारिशों की वजह से, लैंड स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रोड के ऊपर गिरे हुए हैं, और लोगों का जो आने और जाने का रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है. और इस रोड पर शकरदरा, खुशालगढ़ और कोहाट से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं. इस हवाले से हम इस इन इलाके के रहायशों से पता करते हैं, तो मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं. आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर रही सुर्खियों में. देखते हैं ताजा खबर. मदारी बंदर और बंदर के बच्चे को नचाकर अपने लिए दो वक्त की रोजी कमाते हैं. इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर ये बंदर अपनी परफॉर्मेंस ना दे तो फिर इनके लिए रोजी कमाना मुश्किल हो जाता है. कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ वसीम हैदर, समा, कराची. फिर भी उसने पूरा कंप्लीट किया. बेंगलुरु इंदा कैमरा पर्सन मंजुनाथ देसा रेवन पीजे और बाल आए में पहले से आराम है जी. पूरा कहेगा बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे. हेलो, आपका मतलब है नंबर से फिलहाल जवाब इस गुड़सूपी स्टूडियो के ऊपर मौजूद है. गुड़सूपी अंडे वाला बर्गर. रिपोर्टर का चेहरा देखने वाला बर्गर. यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं आपको? तमीज कमीज तो पहनी हुई है. हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल फिल्म रिपोर्ट फ्रॉम लंदन.
തച്ചുണ്ണി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏത് നേരവും വീരാറായ रावलपिंडी से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला लाहौर की पहुंच गया है। आज बारिश शुरू होने से पहले लाहौर की फजाओं में काली घनघोर घटाएं छा गई। तेज हवाओं में परिंदों ने झूमना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश शुरू हुई कि जिंदा दिलाने लाहौर सड़कों पर निकल आए हैं। बारिश कैसा फील हो रहा था कि हम नीचे शॉप पे बैठे हुए थे और जब पता चला कि बाहर इतनी औसम मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, हम अपनी शॉप छोड़ के नीचे से फौरन बारिश में नहाने आ गए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर रहे हैं बारिश में, हम इतना मजा आ रहा है कि आप सोचो। जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। Big game of cricket coming up your way in just a little while from now. What we're going to do is take a short little break. The action continues fast and furious right here, right now. Stay with us. You smell so good. Are we ready? A good performance by Irfan Khan in the Under-19 Asia Cup. Irfan Pathan. Zariya. Eh? Nahi di acha. Eh, bhadwe? अरे भैया पीछे को हो जाओ। अरे मैं माइक से मारूंगी यार, मेरे ऊपर आओगे तो। रोल आप देख सकते हैं तबाही का मजा पूरा पूरा करने के लिए बन रहा है। पानी बह रहा है, लगातार पानी जारी है, घरों के अंदर पानी घुस गया लोगों के और प्रशासन के दावों की पूरी हकीकत मानना पड़ेगा। रिपोर्टिंग ये नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद देख रहे थे। तो कैसा लगा? कॉमेडी। और इसमें से ज्यादातर रिपोर्टर्स की गलती थी भी नहीं, इसमें जो पीछे लोग थे उन्होंने इसको ज्यादा फनी बना दिया। और कुछ कुछ फेल्स थे जो रिपोर्टर्स को ध्यान में ही नहीं था कि अभी उन लोग कैमरा पे है वो आईपीएल वाला। ये कोई स्किट, कॉमेडी स्किट था तो ठीक है, लेकिन कर रही क्या थी वो? मुझे खुद पे। और ये बंदर वाला, इनको मैं मानता हूँ कि कुछ भी हो जाए ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने कंटिन्यू किया और पूरा रिपोर्ट कंप्लीट किया। ये वाला भी फनी था, ये तो बहुत अच्छा लगा। इसको लगा कि ब्रेक पे चले गए, हाँ, लेकिन एक्चुअली कैमरा अभी तक शिफ्ट नहीं, पूरी दुनिया देखती रही। इसको लगा कैमरा से चली गई है, ब्रेक चालू हो चुका है, लेकिन नहीं, पूरा कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, लोगों ने देख लिया लाइव टीवी पे। और इस बंदे का, इस रिपोर्टर का डेडिकेशन देख, इधर फ्लड हुआ है, ठीक है, इस बंदे को भी पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते क्योंकि वो जो नीचे रुका है उसको लेके उसको उठा के रेडी देना चाहिए। हाँ, उसको ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। आई थिंक वो कोई लोकल विलेजर है जहाँ पर बाढ़ हुआ, हेल्प कर रहा है। मुझे तो लगता है हाफ सैलरी उनको मिलना चाहिए क्योंकि उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था ये रिपोर्ट। ये क्या यूनिक तरीका है यार, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर वो थोड़ा चलता था तो ये गिरता नहीं था यार, पानी के बीच में गिरता तो और ज्यादा फनी होता और भी। बट या बहुत बहुत फनी वीडियो। जिसने भी इस वीडियो को रेकमेंड किया, थैंक्स, बहुत मजा आया। और भी ऐसे वीडियोस होंगे तो हम लोग डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहेंगे पार्ट टू। एंड ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। इसको, इस वीडियो को जिसने कंपाइल किया उसको जरूर सपोर्ट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।